हे गाइज, हेलो एवरीवन। तो आज बनाने जा रही हूँ व्हिपिंग क्रीम घर पे, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल आप उल्टा भी कर देंगे तो गिरेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है व्हिपिंग क्रीम पाउडर 1 कप। मेजरमेंट आपको बिल्कुल सही रखना है। यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड मिल्क लिया है मैंने बराबर मात्रा में। जितना व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है उतना मैंने चिल्ड मिल्क भी लिया है। बस आपको करना क्या है कि इसको अच्छे तरीके से विस्क करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे कंटिन्यू करके आप देख सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये एकदम अच्छे से गाढ़ा हुए जा रहे हैं, और आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से फॉर्म हो गया है क्रीम का। तो मैंने यहाँ पे पैड रखे हैं, आइस पैड। अगर आपके पास ना हो तो आप आइस भी नीचे रख सकते हो। उसे बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ये जो क्रीम है वो फॉर्म हो जाता है। देखिए, ये क्रीम एकदम अच्छे से फॉर्म हो गया है। आप उसको उंगलियों से भी देख सकते हो। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि फिंगर से भी ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा, बहुत ही क्रीमी बना है। अब इसको आप फ्रिज में रख दो 15 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने के बाद आपको क्या करना है कि शुगर पाउडर डालना है। धीरे धीरे आपको सारे मेजरमेंट एक ही जैसा लेना है। आपको 3 कप में लेना है, मतलब कि जो मेज़रमेंट लिए हैं वो बराबर ही लेना है। आप शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे शुगर ग्रेजुअली डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, और इसको अच्छे तरीके से फिर से विस्क करना है। बस 2 से 3 मिनट तक आप विस्क कर दोगे, ये बहुत ही अच्छी से क्रीम रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये क्रीम थिक हो चुका है, और बिल्कुल भी परफेक्ट क्रीम बना है। बाज़ार से भी अच्छा क्रीम आपको बनाना है तो आप बहुत आसानी तरीके से घर पे इस प्रोसेस से बनाओगे तो बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्रीम बनके रेडी है, बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप इसको चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहते हो तो चॉकलेट के कोको पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर ही बनाया है, नॉर्मल फ्लेवर। देख सकते हो कितनी गाढ़ी सी क्रीम बन गई है। अब मैं आपको बर्तन को उल्टा करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। तो आप ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करना। बाय बाय गाइस।